दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। वकीलों ने जल्द सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट को ईमेल भेजा गया है। अर्जी पर सीजेआई ने कहा, ईमेल कीजिए, हम देखेंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। कल हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध करार दिया था। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप सांसद संजय सिंह करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश के युवाओं को लुभाने की तैयारी में अखिलेश यादव। लोकसभा चुनाव के लिए थोड़ी ही देर में समाजवादी पार्टी जारी करेगी घोषणा पत्र। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को विजन डॉक्यूमेंट नाम दिया है। दावा किया गया कि पार्टी का घोषणा पत्र लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर विशेषज्ञों की एक टीम ने तैयार किया है। सपा के घोषणा पत्र में किसानों, युवाओं, महिलाओं को लेकर अहम ऐलान हो सकते हैं। इसके अलावा सपा जातीय जनगणना को लेकर भी बड़ी घोषणा कर सकती है। अखिलेश यादव ने कहा, पूरा देश इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। घबराई भाजपा के नेता समाज को बांटने और नफरत फैलाने के एजेंडे पर आ गए हैं। पीएम मोदी का मिशन दक्षिण 400 पार के लिए पीएम मोदी ने वेल्लोर में की जनसभा। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, 2014 से पहले केवल घोटाले की खबरें आती थी। वेल्लोर रैली में पीएम मोदी ने कहा, डीएमके एक परिवार की कंपनी बनकर रह गई है। हमें तमिलनाडु को विकसित करना है। तमिलनाडु में बीजेपी को खुलकर समर्थन मिल रहा। पीएम मोदी ने कहा, भारत दुनिया में बड़ी ताकत बनकर उभरा। जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उनको शायद पता नहीं चलता होगा कि वेल्लोर की धरती, तमिलनाडु की धरती नया इतिहास बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के मेट्रोपालियम में रैली करेंगे। बीजेपी के पक्ष में मतदान की करेंगे अपील। आज शाम महाराष्ट्र पहुंचेंगे पीएम मोदी। रामटेक लोकसभा सीट से महायुति उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे पीएम मोदी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सियासत तेज। राहुल गांधी ने बीजेपी पर वार किया। एक्स पोस्ट में लिखा, ये चुनाव दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत को जोड़ा और दूसरी तरफ वो है जिन्होंने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की। राहुल गांधी ने लिखा, राजनीतिक मंचों से झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता। इतिहास गवाह है किसने देश का विभाजन चाहने वाली ताकतों से हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत किया और कौन देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए लड़ा। सीएम केजरीवाल से आज नहीं मिल पाएंगे भगवंत मान और संजय सिंह। तिहाड़ प्रशासन अब मान और संजय सिंह को देगा नया समय। भगवंत मान और संजय सिंह का केजरीवाल से मिलने का समय मंगलवार को तय हुआ था। तिहाड़ जेल ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर कहा कि आज दोनों नेताओं को केजरीवाल से मुलाकात नहीं कराई जाएगी। गया में जीतम राम मांझी वोट मांगने गए तो जमकर विरोध हुआ। अपनी पार्टी के विधायक और समधन ज्योति मांझी को देखकर भड़के लोग। जीतन राम मांझी समधन के साथ उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में घूमकर वोट मांग रहे थे। इस दौरान लोगों ने कहा, विधायक ज्योति मांझी सिर्फ चुनावों में नजर आती है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज बंगाल और बिहार के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बालूरघाट में सुकांत मजूमदार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं अमित शाह। बंगाल के बाद अमित शाह गया पहुंचेंगे। गुरारू में दोपहर 3 बजे चुनावी सभा करेंगे। अपने बिहार दौरे पर अमित शाह बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, भाजपा पूरे देश और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। हमारा एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे एक एक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। बीजेपी की लहर चल रही है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन है। 11 अप्रैल को ऋषिकेश से 23 विधानसभा सीटों को साधेंगे पीएम मोदी। कल ऋषिकेश में हुंकार भरेंगे पीएम। पीएम मोदी की रैली से पहले ऋषिकेश पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक बैठक के लिए रैली ग्राउंड का निरीक्षण किया। कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ रहे कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में उज्जैन के पार्टी कार्यालय में कई कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, उज्जैन के भाजपा कार्यालय में कई मित्रों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में सभी 29 लोकसभा सीटें जीतेंगे।
हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आकर के कई लोगों को, मित्रों को भाजपा की सदस्यता ज्वाइन करा रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमको सब तरफ वातावरण मिल रहा है, भाजपा पे लोग भरोसा करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करते हैं और ये प्रचंड बहुमत से 29 लोकसभा सीट जीतेंगे और अब की बार 400 पार। एमवीए में सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद आज मुंबई कांग्रेस की दोपहर 2 बजे अहम मीटिंग, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में होगी बैठक। सूत्रों के मुताबिक वर्षा गायकवाड़ दक्षिण मध्य मुंबई की सीट नहीं मिलने से नाराज हैं। वर्षा कल एमवीए की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुई थी। शरद पवार ने जारी की तीसरी लिस्ट, वर्धा, डिंडोरी, बारामती, अहमदनगर, बीड़, भिवंडी के उम्मीदवारों का ऐलान किया। 11 साल में आम आदमी पार्टी के रहने के बाद आज सचिन गंभीर ने बीजेपी का दामन थाम लिया, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाने वाले खुद भ्रष्ट हैं। अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री जी हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके साथ हम कई साल पहले जुड़े, हम सोचते थे करप्शन खत्म करेंगे हमारे देश से। हाँ। ये करप्शन, इन्होंने करप्शन वाली पार्टी का ही दामन थाम लिया, उन्हीं से गठबंधन। राज ठाकरे ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया, सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा आपका स्वागत है। राज ठाकरे ने कहा मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, जब देश में एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता होगी तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बिना शर्त भाजपा, शिवसेना, एनसीपी का समर्थन करेगी और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए है। राज ठाकरे के एमएनएस में शामिल होने पर संजय राउत ने निशाना साधा, राज ठाकरे ने कहा ऐसा क्या चमत्कार हो गया। संजय राउत ने सवाल उठाया कि राज ठाकरे पलटकर महाराष्ट्र के दुश्मनों को समर्थन देने लगे। संजय राउत ने पत्रकारों से कहा राज ठाकरे से जाकर पूछिए कि आप जनता को क्या बताओगे, इसके पीछे क्या कारण है, बीजेपी ने राज ठाकरे की कौन सी फाइल खोली है। दुश्मनों को सपोर्ट कर रहे हो तो आप जनता को क्या बताओगे, कारण क्या है उसके पीछे, कौन सी फाइल खोली है। सड़क हादसे में बाल बाल बचे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, नाना पटोले की गाड़ी को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी, पटोले की शिकायत पर पुलिस की जांच जारी। हादसा उस वक्त हुआ जब नाना पटोले चुनाव प्रचार करके वापस लौट रहे थे, तभी भंडारा जिले के भीलवाड़ा में उनकी कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। सुविंदु अधिकारी का अभिषेक बैनर्जी पर तंज, कहा ये बहुत बार सुप्रीम कोर्ट गए हैं, मेरे खिलाफ ही 7 बार गए हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसा, कहा गठबंधन बनाने वाला मुख्य साथी नीतीश कुमार थे लेकिन वो ही इनका साथ छोड़कर चले गए, जयंत चौधरी गए, ममता बनर्जी भी गई, कांग्रेस के पास यहां क्या है। राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा अखिलेश पहले सांसद बने फिर विधायक बन गए, अब ये क्या बनना चाहते हैं, क्यों संघर्ष कर रहे हैं, वो चुनाव हार रहे हैं। आज बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कठुआ में करेंगे रैली, पार्टी उम्मीदवार जितेंद्र सिंह के लिए मांगेंगे वोट। सीएम योगी कठुआ के साथ साथ सरधना विधानसभा के गांव जो मुजफ्फरनगर और मेरठ के बॉर्डर पर है राधना में जनसभा को करेंगे संबोधित। आरजेडी ने जारी की 22 उम्मीदवारों की लिस्ट, रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, अली अशरफ फातमी को टिकट मिला, ऋतु जायसवाल का भी नाम लिस्ट में शामिल। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन, इस कार्यक्रम का आयोजन द्वारका यशोभूमि कन्वेंशनल सेंटर में हो रहा। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कांग्रेस ने न्याय पत्र नहीं बल्कि अन्याय पत्र जारी किया, ये वही कांग्रेस है जिसने 1971 में कहा था कि इंदिरा गांधी को लाएंगे और गरीबी मिटाएंगे लेकिन गरीबी बढ़ती चली गई। मैनिफेस्टो जो नहीं जारी किया है, न्याय पत्र नहीं जारी किया, अन्याय पत्र जारी किया, झूठ का पुलिंडा जारी किया है, ये वही कांग्रेस है जो 71 में कहा था इंदिरा जी को लाएंगे गरीबी मिटाएंगे लेकिन गरीबी बढ़। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर वार किया, कहा जो तेजस्वी यादव केवल परिवार की ही राजनीति करते हैं वो बिहार को क्या समझेंगे, आज बिहार के लोग पीएम मोदी को पाकर खुश होते हैं। नितिन नवीन ने कहा आपको डर है कि पीएम मोदी की वजह से आपकी बची खुची जमीन साफ हो जाएगी, 1990 का कालखंड बिहार के युवा भूले नहीं। दुखी है क्योंकि आपको डर है, भय है कि मोदी के आगमन से मेरा जमीन जो भी बचा है वो सुपरा साफ हो जाएगा, तो रात के सपने में आपको मोदी नजर आते हैं तो ये आपकी भय। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दर्दनाक बस हादसा, एक कंपनी के 40 मजदूरों से भरी बस खदान में गिरी, 12 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। हादसे के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, रायपुर और भिलाई के अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया, रात 8:30 बजे के करीब हुआ हादसा। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के वक्त बस में करीब 40 मजदूर सवार थे,
बस सड़क से फिसलकर 40 फीट गहरी मुरम खदान में गिर गई। सीएम विष्णुदेव साय ने जाना घायलों का हालचाल, पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया। जेपी नड्डा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हादसे पर दुख जताया। एक्सपोस्ट पर लिखा, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुए बस दुर्घटना में कई लोगों के हताहत होने का समाचार हृदय विदारक है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा दुर्ग बस हादसे के पीड़ितों से मिलने रायपुर एम्स पहुंचे। डिप्टी सीएम ने घायलों के परिवार वालों से बात की। डिप्टी सीएम ने अस्पताल में भर्ती घायलों से बातचीत की। डिप्टी सीएम को यात्रियों ने बताया कि रात में बस की लाइट नहीं जल रही थी, सड़क पर गड्ढे। आज बस स्लिप हो गया और नीचे गिर गई बस। कारण में एक मरीज ने यह भी बताया कि बस की लाइट नहीं जली, इसलिए ऐसा हो गया। अब क्या स्थितियां हैं जांच के बाद स्पष्ट होगी। अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिया पढ़ेगा बेटा अब्बास। अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से 3 दिन की कस्टडी पेरोल मिली है। अब्बास को गाजीपुर की बैरक नंबर 10 में किया गया बंद। कड़ी सुरक्षा के बीच अब्बास अंसारी को कासगंज से गाजीपुर जेल लाया गया। गाजीपुर जेल की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, सीसीटीवी की निगरानी में 13 अप्रैल को वापस कासगंज जेल लाया जाएगा अब्बास अंसारी को। फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयप्रदा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज रामपुर कोर्ट में सुनवाई। 2019 लोकसभा चुनाव का मामला है। मुगल शासक शाहजहां के उर्स पर रोक लगेगी या नहीं, आज इस मामले पर भी सुनवाई होगी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा दायर कर चुकी है ये मामला। सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित डिप्टी कलेक्टर सौम्या चौरसिया। हेमा मालिनी पर टिप्पणी का मामला, जिसमें कांग्रेस नेता सुरजेवाला को चुनाव आयोग के नोटिस का 11 अप्रैल तक देना है जवाब। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज बीकानेर आएंगे, प्रबुद्ध जन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। इस दौरान सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा भी रहेंगे मौजूद। आज बिहार के बक्सर में किसानों की होगी महापंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत हो सकते हैं शामिल। देशभर से जुटेंगे 30 संगठनों के किसान नेता। बीते महीने चौसा थर्मल पावर प्लांट को लेकर विरोध कर रहे किसानों के परिवार पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में ये किसान महापंचायत की जा रही। लोकसभा चुनावों को लेकर इलेक्शन कमीशन का फैसला, बंगाल में चुनाव में इस्तेमाल होने वाली सभी गाड़ियों पर लगेगा जीपीएस। आज भारतीय वायुसेना गगन शक्ति युद्धाभ्यास का आखिरी दिन। आसमान में फाइटर प्लेन दिखाएंगे अपनी ताकत का जौहर। 10 दिन तक चले इस युद्ध अभ्यास में वायुसेना के करीब 10,000 वायु सैनिकों ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना के सभी हवाई अड्डे सक्रिय रहे। आज आखिरी दिन तेजस, राफेल, सुखोई 30, जगुआर, ग्लोब मास्टर, चिनो, कपाचे, प्रचंड सहित कई लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहे।